जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद असद मदनी अपने एक बयान को लेकर चर्चा में, उन्होंने संविधान और कुरान शरीफ में किसी एक को सर्वोपरि मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि कुरान और शरीयत हमारे माँ बाप की तरह है। उन्होंने कहा कि संविधान की अपनी जगह है और कुरान शरीफ की अपनी जगह है। दरअसल एक टीवी चैनल से चल रहे इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि लोकतंत्र में संविधान और कुरान शरीफ में सर्वोपरि क्या है। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये सवाल ही गलत। मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा, ये सवाल ही गलत है। दोनों के बीच किसी तरह का कोई कंपटीशन ही नहीं है, इनके बीच कोई मुकाबला ही नहीं है। ये सवाल मुझसे साल 2002 से ही पूछा जा रहा है। कभी राष्ट्र के नाम पर, कभी देश के नाम पर, ये सवाल ही गलत है। कुरान और शरीयत हमारे माँ बाप की तरह है। आप मुझसे पूछोगे कि कौन सी आँख अच्छी लगती है, कौन सी रखें और कौन सी फोड़ दें, ये हमारे लिए हमारा आईन है। मेरे हिसाब से भारत के संविधान की अपनी जगह है और कुरान शरीफ की अपनी जगह है। दोनों को आप मिक्स मत करिए। आज के युवाओं को ये पता होना चाहिए कि कुरान का क्या काम है, कुरान की क्या हैसियत है, कुरान का क्या मुकाम है। मौलाना महमूद असद मदनी ने इंटरव्यू के दौरान मोदी सरकार की तारीफ भी की। उन्होंने मोदी सरकार के कामकाज के बारे में बात करते हुए कहा, पीएम मोदी और आरएसएस पसमांदा मुस्लिम को जोड़ने की बात करते हैं तो ये सही बात है। पीएम मोदी ने पसमांदा मुस्लिम का मामला उठाया था तो कई लोगों ने विरोध किया, लेकिन हमारे संगठन ने बकायदा प्रस्ताव पास कर उसका समर्थन किया था। ऐसे बहुत से मौके हैं जब हमने पिछले 10 सालों में भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की ओर से किए गए कामों और नीतियों का समर्थन किया है। अब उनकी विदेश नीति के बारे में कहने की क्या ज़रूरत, मैंने उसकी तारीफ की। लेकिन कोई चीज़ 100% सही कैसे हो सकती है? अगर किसी चीज़ को हम सही नहीं समझेंगे तो हम ज़रूर बोलेंगे और विरोध करेंगे। जैसे मोदी सरकार का वक्फ से जुड़ा मामला, किसी तरह के कानून के संशोधन से पहले जो प्रभावित होता है या कोई खास वर्ग पर असर पड़ता है तो उसके साथ कानून लाने से पहले वार्तालाप की जानी चाहिए, फिर संशोधन लाना चाहिए, चीज़ों को सही करने की गुंजाइश होनी चाहिए। महमूद मदनी ने इस दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की नीतियों पर सवाल भी उठाया। बुलडोजर एक्शन को लेकर महमूद मदनी ने कहा कि सभ्य समाज में बुलडोजर एक्शन की इजाज़त नहीं है। मामला कोर्ट में लंबित है, इसलिए इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि बुलडोजर एक्शन सही है या गलत। बुलडोजर अन्याय और अत्याचार का प्रतीक बन गया है। उन्होंने आगे कहा कि जो गलत करता है उसे माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर हमला करते हुए मदनी ने कहा कि असम के सीएम मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हैं, वो मुसलमानों को विदेशी कहते रहे हैं। हिमंता के बयान और एक्शन संविधान के साथ गद्दारी है। इसके अलावा देश में खतरे से जुड़े सवाल पर मदनी ने कहा कि देश में खतरे में कोई चीज़ नहीं है। खतरे का जो झुंझुना है उसे लोगों के मन से हटा दिया जाना चाहिए। जिसे खतरा लगता है वो खतरा बता देना है। फायदे के लिए लोग एक दूसरे को खतरा बता देते हैं।